तो भाई और बहनों, हम सबको पता है कि बिजनेस लॉ अब 60 नंबर का नहीं रहा जून 2024 ongoing attempts में, ये अब हो चुका है 100 मार्क्स का। अगर आप मुझसे पूछें कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, तो मैं कहूंगी डेफिनेटली अच्छा है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, जो 40 मार्क्स का BCR एक्सक्लूड हो गया है वो इतना रेलेवेंट नहीं था। इसी बात को गौर करते हुए इंस्टीट्यूट ने 40 मार्क्स का एडिशनल लॉ डाल दिया है। अब क्या ये बहुत टफ हो जाएगा? डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का एम हमेशा से था कि CA फाउंडेशन को रिलेटिवली जो है थोड़ा सा टफ बनाया जाए फॉर अ गुड कंसर्न, बिकॉज बच्चे इंटरमीडिएट में जाकर के समझ पाते हैं कि आखिरकार CA का सिलेबस क्या है। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप रियली सिंसियर हैं CA कोर्स को लेकर के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम और दूसरे टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको चीज़ें समझाएंगे। आपका काम है रिवाइज करना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। दोस्तों, मेरा नाम है अग्रिका, वेलकम यू टू CA फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हम बिजनेस लॉ 100 मार्क्स जून 2024 का पहला चैप्टर कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप मेरे टीचिंग स्टाइल को समझ पाएंगे। CA फाउंडेशन क्लासेस हमारी वेबसाइट है, जहां पे हम बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे आपको लाइव बैचेस देते हैं। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम आपको डाउट सपोर्ट देते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट। हम आपको डेली टारगेट्स देते हैं और लाइव क्लासेस में आपको बहुत इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स से। वहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स जो पढ़ाई में आप फेस कर रहे हैं, वो सब भी आप डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ। जून 24 का हमारा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आइए बिना लेट करते हुए जंप इन करते हैं क्विकली और समझते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है हमारा पहला चैप्टर लॉ का। ऑल राइट बच्चों, वेलकम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपको पता है ये चैप्टर कभी पहले था ही नहीं, ये पहली बार जून 2024 यानी कि नई स्कीम में आया है। अब हर बार जब भी मैं लॉ अपने बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मुझे लगता था कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट किए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को बताना चाहिए कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है कानून के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने, इंस्टीट्यूट ने एक नया चैप्टर दे दिया है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से। इसका वेटेज क्या है, ये सब हम लोग जो है डिटेल में कभी और बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए प्लस एग्जाम्स में पास होने के लिए भी इसको पढ़ते हैं, ठीक। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आप हमारे बैच के बच्चे बनते हैं तो आपको इन सबके हार्ड फास्ट रिविजन नोट्स मिल जाएंगे। रिविजन नोट्स मैं ज़रूर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक कोई रिविजन वाला मटेरियल नहीं होगा, आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, और जब तक रिवाइज बार बार नहीं करोगे, आप बिल्कुल पास नहीं हो पाओगे। तो मैम, आइए शुरू करते हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया का रेगुलेशन का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब किस तरीके से रेगुलेशन इंडिया में चलता है, रेगुलेशन हम सबका कैसे होता है उसको हम समझेंगे। तो कानून क्या होता है उसको समझेंगे हम, कानून बनता कैसे है, सोर्स क्या है, कहाँ से कानून आता है, उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, और कानून के टाइप क्या क्या हैं। अगर कानून के टाइप की बात करें हम लोग, तो क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, और देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये एक माइंड मैप है, समरी है इस चैप्टर की। फिर लॉ कैसे इन्फोर्स होता है, बन तो गया लेकिन लागू कैसे होता है लॉ, ये भी हम समझेंगे। फिर आगे हम समझते हैं कि हमारे देश में रेगुलेशन की बॉडीज क्या क्या हैं, मेजर सबसे बड़ी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हम समझेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, उसमें आगे क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, स्टॉक मार्केट के लिए आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे सब कुछ पढ़ेंगे। और हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो है स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैबिनेट्स बैठती है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। मैंने चीज़ों को आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, इसी तरीके से मैं हाईलाइट करके और चीज़ों को लिख करके बच्चों को अपने क्लास में नोट्स दे देती हूँ। ये वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसके जो फास्ट ट्रैक नोट्स हैं, जैसे कि कहा, वो बैच का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। आइए पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपने कभी भी सोचा है कि जो लॉ होता है आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं? एक बार बताइए, आप ट्रैफिक रूल्स जानते हैं? आप बाहर निकलें और कोई कहीं से भी चला रहा हो गाड़ी, किसी को डर ना हो कि हम कहीं से भी कुछ भी कर दें, कोई रूल तोड़ दें, रूल ही ना हो, तो एक्सीडेंट्स कितने होंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा, सड़क पे जाना मुश्किल हो जाएगा, कोई किसी को भी उड़ाए दे रहा है, सब अपने अपने रूल्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही बिजनेस लॉ है, आप ट्रैफिक रूल पढ़ने नहीं आए हो, आप कानून से रिलेटेड रूल्स पढ़ने आए हो क्योंकि आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने कभी सोचा है कि आप लॉ जैसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, जब आप ICAI के तहत एक मेंबर बनेंगे, तब आपको इस नॉलेज की जरूरत होगी?
डेफिनेटली लॉ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कौन से लॉ की बात? टैक्सेशन लॉ, ऑडिट लॉ, GST, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, देन वी हैव यू नो बिजनेस लॉज, कमर्शियल लॉज. इन सभी लॉ की अवेयरनेस होना एसेंशियल है जिससे कि आप एक फुल फ्लेज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए. ठीक है, आपको पता है कि जो कानूनी मैटर्स होते हैं उसमें तो लॉयर का काम होता है ना? जी नहीं, आपके क्लाइंट्स होंगे उनके भी लीगल मैटर्स फंसेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ. तो लीगल मैटर्स में, कानूनी मैटर्स में जो CA होता है ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, आपके और जुडिशरी सिस्टम के बीच में. तो हमें एज CA स्टूडेंट्स, हमें एज CA लॉ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हम कल को अपने क्लाइंट्स, अपनी मैनेजमेंट को बेसिक थ्रेशहोल्ड लेवल पे, ये नहीं कि हमको एकदम लॉयर के माफिक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए, एक बेसिक थ्रेशहोल्ड लेवल पे हम अपने क्लाइंट्स को, अपनी मैनेजमेंट को जो है इंफॉर्मेशन दे सके, चीज़ें समझा बुझा सके. ठीक, ऑलराइट, इतना देख लिया, जितनी चीज़ें हाईलाइट करानी हो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है. अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कल को CA के बाद लॉ भी पढ़ना, लॉयर बनना चाहें, या फिर आप टैक्सेशन में स्पेशलाइज करना चाहें. ठीक है, तो वहाँ पे आपको टैक्स लॉस पढ़ने पड़ेंगे. इनफैक्ट CA करिकुलम में भी आप CA इंटरमीडिएट में, CA फाउंडेशन में तो नहीं, CA इंटरमीडिएट में टैक्स के लॉस पढ़ते हैं. ठीक है, तो टैक्स के एक्सपर्ट बनने से पहले आपको अपने देश का जो रेगुलेशन है, मैंने कह रही कि बिजनेस लॉ, टैक्स लॉस पढ़ने से पहले लॉ क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, वो तो अपने देश का पढ़ना पड़ेगा ना. ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इससे मेरा क्या मतलब है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके घर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे एक फ्रेमवर्क होता है. सबसे पहले सबसे बड़ा बंदा ये, फिर उसके बाद टीम लीड, उसके अंडर में इतने 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 लोग, फिर CEO, CFO एटसेट्रा. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पर्पज ही होता है कि किसी यू नो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर यहाँ पे देश में जो लोगों का कंडक्ट है वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. सो द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स, मतलब सबके लिए एक समान रूल्स और रेगुलेशंस, जो कि उस देश के लोगों का जो कंडक्ट है आपस में, पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप्स में, उसको गवर्न कर सके. वरना कोई रिलेशन, कोई रूल ही नहीं रहेगा, सब अपने मन का काम करेंगे. ठीक है, अब डाउन द एजेस, यानी कि पिछले कई डिकेड्स में जो मैनकाइंड है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका जो है काफ़ी इवॉल्व हुआ है, बढ़ा है, बेहतर हुआ है. हम हंटर गैदरिंग सोसाइटी से आ रहे हैं, हमारे हम जो है हंटर्स थे, फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में आए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया. तो डेफिनेटली काम करने का तरीका, जीवन जीने की शैली जब चेंज हुई तो सोशल फ्रेमवर्क भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया. अब जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए तो उनको रेगुलेट करने के लिए कानून की ज़रूरत भी पड़ गई, जिससे कि हम अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को परेशान ना करें, हम एक राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट से चलते रहें, हमें पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम कर बैठेंगे तो हम जो है वॉयलेशंस कर बैठेंगे और हमारे ऊपर क्या क्या पनिशमेंट्स आएंगी. दोस्तों, अगर हम लोग एंशियंट, बहुत ही पुराने लॉ की बात करें, अगर हम एंशियंट लॉ की बात करें हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से कोड ऑफ हमुरबी, कोड ऑफ हमुरबी जो है हमारा ओल्डेस्ट लॉ है लिखित फॉर्म में. किंग हमुरबी जो है वो बेबीलोन को, आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, किंग हमुरबी बेबीलोन को, बेबीलोन जो एक जगह थी उसको रूल करते थे 1792 BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1758 BC तक. उन्होंने पता है बड़े बड़े स्टोन की चट्टाने थी, उसमें कार्व किया था कानून का कोड, कार्व किया था अलग अलग जगह पे बेबीलोन की सिटी में, वो स्टोन्स रखे गए थे जिससे कि पब्लिक को पता हो, देखो ये कानून है, कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. तो पत्थरों पे लिखा हुआ था, स्टोन पे काफ था नॉलेज ऑफ कोड, किस चीज का कोड, लॉ का कोड. उन्होंने जो है अपॉइंट किया था पहली बार जजेस, ये देखने के लिए कि देखो यार ये वाले जो हमने कोड बनाए हैं, जनता इसको, जनता जनार्दन इसको फॉलो भी कर रही है कि नहीं कर रही है. फिर दोस्तों 40, ये याद करना पड़ेगा बिल्कुल, जो आपकी बुक में दिया है आपको याद करना पड़ेगा, इन 450 BC, ठीक है, 12 ब्रॉन्ज की टेबल्स थी, 12 ब्रॉन्ज तांबे की टेबल्स थी रोम में, जिनमें सेट ऑफ लॉज इंग्रेव किया गया था, लिखा गया था, इंग्रेव, जैसे कुछ कुछ मीनारें नहीं होती वहाँ पे चीज़ें लिखी रहती हैं एकदम बढ़िया से, इंग्रेव किया गया था. और उसको सबसे पहला फर्स्ट
मोस्ट डिटेल्ड, सबसे इलैबोरेट कोड ऑफ एनी सिविलाइजेशन माना गया है और उनको कहा जाता है 12 टेबल्स। जीके भी आपकी यहाँ पे बढ़ रही है। सो 450 बीसी में 12 ब्रॉन्ज टेबल्स रोम में थी जिनको सबसे पहला डिटेल्ड कानूनी लॉ माना गया था और किसी भी सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, और उन्हें पॉपुलरली कहा जाता है 12 टेबल्स के नाम से। इन टेबल्स का पर्पस क्या था कि हम जनता के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें और जो भी कुछ गलत कर रहा है उसको, जिसके साथ गलत हुआ उसको रेमेडीज मिल सके, ठीक है। तो जितने भी रोम के नागरिक थे, सिटीजन्स थे, उनको इन टेबल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। वैसे आपको और हमें भी नॉलेज होना अपने देश के कानून के बेसिक थ्रेशहोल्ड लेवल पे ज़रूरी है, लेकिन हम और आप नहीं जानते हैं चीज़ों को। बट कोई बात नहीं, सीए फाउंडेशन, सीए न्यूज़ की आपको समझा देगी। तो ओवर द टाइम कानून, अब जैसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कानून में भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए समय समय पे बदलाव ज़रूरी है। और इसका नाम है, इस नाम से प्यार कर लें, अमेंडमेंट्स, चेंजेस इन लॉ में किए गए थे एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आते रहते हैं आपके कोर्स में। आप भी बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, आप टैक्स लॉ पढ़ेंगे इंटर में, आप ऑडिट लॉ पढ़ेंगे, तो चेंजेस अमेंडमेंट्स आते रहेंगे क्योंकि हम ही सब चेंज हो रहे हैं ना। चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। जो हम 6 महीने पहले थे उस तरीके से आज हमारा ढंग नहीं है। तो काम करने के तरीके में, बिजनेस में, वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो कानून में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। पुराना कानून तो बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे लॉज से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा मैम, हम लोग जो है सिर्फ बिजनेस लॉ नहीं, बिजनेस लॉ के बेसिकली हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और भी बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में, जो पहला चैप्टर न्यूज़ की मैं है, इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ बनते कैसे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, ठीक। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं जानने की कि लॉ क्या होता है। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारा जो May 24 का बैच है, जितने भी June 24 वाले बैच के बच्चे हैं उनको भी ये रिकॉर्डिंग्स जाएंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें। हम जो है जितनी जल्दी हो सकेगा न्यू स्कीम के सिलेबस को आपके कोर्स में ऐड करने लगेंगे। तो लॉ क्या होता है, देखिए, लॉ एक सेट है, ग्रुप है, किसका, ड्यूटीज़ का, ऑब्लिगेशंस का, जिम्मेदारी का। लॉ जो है एक कंपाइलेशन है, एक सेट है ऑब्लिगेशंस का, ड्यूटीज़ का, जो कि सरकार हमारी इम्पोज करती है हम सभी के ऊपर, हम पीपल के ऊपर, सिटीजन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके, वेलफेयर हो सके, सिक्योर्ड वेलफेयर हो, वेलफेयर सोसाइटी का सिक्योर्ड हो और जस्टिस मिले अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है। तो ये लॉ है, ये एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए है, उनकी वेलफेयर के लिए है, उनको जस्टिस देने के लिए है। अब जो देश का लीगल फ्रेमवर्क है, लॉ का, जो इंडिया का जो लॉ का फ्रेमवर्क है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो हमारे देश का, हमारा देश कैसा है, बहुत ही बड़ा है, वास्ट है और डाइवर्सिफाइड है। नाना प्रकार के लोग हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं, फूड है, बिजनेस के तरीके हैं। तो हमारे देश का लीगल फ्रेमवर्क ऐसा ही है जिसको खोलोगे तो उसमें से सुगंध आएगी, हमारे देश के नाना प्रकार के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स की, ठीक। तो ये देश का लीगल फ्रेमवर्क हमारा ऐसा ही है। आपने समझ लिया कि लॉ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लॉ के सोर्स क्या क्या हैं, सोर्सेस, कहाँ से लॉ उत्पन्न होता है। मतलब लॉ को अगर मुझे देखना है तो मैं कहाँ से लॉ को देखूँ। देखिए, हमारा जो देश का लॉ है वो लिखा हुआ है हमारे संविधान में, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो है स्टैट्यूट्स में, ठीक है, या फिर वो पार्लियामेंट के लॉज में है, या फिर वो स्टेट असेंबली के लॉज से उठाया जा सकता है, या फिर वो बहुत सारे कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट्स या फिर जुडिशियल डिसीजंस थे वहाँ से उठाया जा सकता है, जिनको हम कस्टम और यूसेज कहते हैं। मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपकी मैम ने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक। तो देश का अगर लॉ तुमको पढ़ना है तो तुम कहाँ जाओगे, क्या सोर्स है, किस किताब में जाओगे, तो पहला तुम कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट दैट एम्बॉडीज ऑल द रूल्स। तो संविधान को खोलो और पढ़ लो। आप स्टैट्यूट्स देख सकते हो, स्टैट्यूट्स क्या होता है, सो बेसिकली स्टैट्यूट्स आर नथिंग बट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट तो सब कुछ करती है, लॉ भी देख रही है, सॉरी लाइट चली गई, गवर्नमेंट तो है सब कुछ देख रही है, गवर्नमेंट लॉ भी देख रही है, गवर्नमेंट जो है बिजनेस भी देख रही है, गवर्नमेंट जो है टूरिज्म भी देख रही है। तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि लॉ गवर्नमेंट बनाती है, नहीं, लॉ जो है गवर्नमेंट का कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच बनाती है। तो स्टैट्यूट्स का मतलब होता है वो लॉ विच इज इनैक्टेड बाय, यानी कि बन रहा है बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कौन है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में देख लो, स्टैट्यूट्स में देख लो, स्टैट्यूट्स कौन बनाता है, पार्लियामेंट बना रही है, स्टेट असेंबलीज बना रही है। तो मैम पार्लियामेंट क्या होता है,
हमारा पार्लियामेंट है कि देखो हमारा देश एक पॉलिटिकल नेशन है, राइट? तो पॉलिटिकल नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अगर मिला दिया जाए, असेंबली कर दी जाए उनकी, तो हमारे देश के नेता परेता ये जितने भी पॉलिटिकल नेशन है हमारा, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये कौन बन जाते हैं? ये बन जाता है पार्लियामेंट, ठीक है? और कौन कानून बनाता है? स्टेट असेंबलीज कानून बनाती हैं। मैम, स्टेट असेंबली का मतलब क्या हुआ? स्टेट, एक होता है सेंटर पूरा देश, फिर होते हैं अलग अलग स्टेट। तो हमारे देश का भी कानून है, अलग अलग स्टेट्स का भी कानून है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टेट असेंबलीज का मतलब है लोअर हाउसेस, विधानसभा, स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, उनके भी अपने अपने कानून बने हुए हैं। तो मैम, हर स्टेट का अपना अपना कानून है। देखो, लड़ाई झगड़ा इसमें नहीं होता है, बिल्कुल हर स्टेट का अपना अपना कानून है और वो ज़रूरी भी है। ठीक है भैया, अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही है ना? वो ज़रूरी भी डेफिनेटली है, ठीक है? तो आपने देखा कि हमारे देश का जो कानून है उसको अगर हमें पढ़ना है तो हम कहाँ से उठा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से उठा सकते हैं, हम स्टैट्यूट से उठा सकते हैं। स्टैट्यूट का मतलब जो लॉ इनैक्ट कर रहा है लेजिस्लेटिव ब्रांच हमारे गवर्नमेंट का। ये लॉज कौन बना रहे हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनकी असेंबली, ठीक है? स्टेट असेंबलीज का मतलब है कि अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर स्टेट हैं उनकी, फॉर एग्जाम्पल विधानसभा बोलते हैं, लोअर हाउसेस, वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कुछ कुछ केसेस पहले आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, अपना पहला चैप्टर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं 1985, 1993, 2001 ऐसे से करके केस लॉ आएंगे। तो कभी पहले कुछ हुआ होगा, कोई केस हुआ होगा, उस केस में किसी कोर्ट ने अपनी हियरिंग दी होगी, यानी कि प्रेसिडेंट दिया होगा, यानी कि जुडिशियल डिसीजन दिया होगा। तो दोस्तों, कभी कभी हम उनको भी, वो किसी संविधान में नहीं लिखे हैं, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, वो किसी स्टैट्यूट में नहीं लिखे हैं, लेकिन वो हमारे तमाम कोर्ट्स के जुडिशियल डिसीजंस हैं, प्रेसिडेंट हैं जो पहले हो चुके हैं, और उनको एज अ कस्टम यूसेज हम मान लेते हैं। तो ये भी डेफिनेटली लॉ का एक सोर्स है, जहाँ से जो तुमको उठाने में दिख रहा हो वहाँ से वो चीज़ उठा लो। तुम कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लो, तुम स्टैट्यूट से उठा लो, तुम जो है पार्लियामेंट का, स्टेट असेंबली का लॉ उठा लो, या फिर पुराने कोर्ट्स के जुडिशियल डिसीजंस को तुम उठा लो। इनको बोलते हैं कस्टम या फिर यूसेज, ठीक? तो यहाँ से हम लोग लॉ को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ए लिखा है मैंने यहाँ पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो हम सिटीजन्स हैं, हम नागरिक हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं ना, वी आर डेमोक्रेसी। तो हम सिटीजन ही अपने लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में लॉ बनाने के लिए अपने नेताओं को, अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं वोट के द्वारा। तो हम इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बेसिस है, सोर्स है सभी कानून का। हम सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वोट के द्वारा। ये इलेक्ट होके कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट तो चलो पूरे देश का हो गया सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट के अलावा हम अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को भी इलेक्ट करते हैं। तो ये लोग जाते हैं अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है? अब ये वही लोग हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, नेता हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमको दर्शा रहे हैं, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जनता को। एक नेता 100 करोड़ देशवासी, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, नेता हैं, ये लोग जो है लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में भी, सेंट्रल पे या फिर स्टेट असेंबलीज में भी, ठीक? तो हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है वो हमारी अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक? जो पार्लियामेंट, देश का पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई कानून पास कर देता है, वो कोई कानून अगर पास कर देता है तो वो थ्रू आउट ऑल द कंट्री एप्लीकेबल होता है। पहले बहुत सारे केसेस थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, इसलिए आप जब भी कोई कानून पढ़ते थे इसमें लिखता था कि इट विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसा नहीं है। सो इट मे अप्लाई थ्रू आउट ऑल और पोर्शन ऑफ स्टेट्स, वेर एज द लॉ जो पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रही है। तो आपने देख लिया कि दो टाइप के लोग ऐसे कर रहे हैं, पहला है जो पार्लियामेंट पास कर रहा है और दूसरा है जो स्टेट लेजिस्लेचर्स पास कर रहे हैं। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर्स पास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट कंसर्न्ड के बॉर्डर्स तक ही अप्लाई होंगे। हरियाणा का अल्कोहल को लेकर के, गुजरात को लेकर, गुजरात में अल्कोहल को लेकर के जो लॉज हैं वो अलग है यूपी से। तो ये बात है, ठीक है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कब आई? देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे कि हमारे देश के स्वतंत्रता के पहले का साल दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1935 कैसे? हम तो बाद में हुए ना आज़ाद। तो देखिए, पढ़िए, देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये पता है किसने पास किया था? 1935 में, उस तब हम गुलाम थे, तो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भरी थी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935
passed by the Parliament of UK is the precursor of Constitution of India. मैम precursor का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है something that has happened before. देखिए थोड़ा सा complicated है. बोल रहा है आपने अभी ऊपर पढ़ा Constitution of India, संविधान, संविधान कहाँ से आया? संविधान, संविधान को लेकर के आया Government of India. कब? Government of India 1935 में बनी थी. वो प्रीकर्सर है, यानी कि वो पहले आया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के कौन आया? हमने बना दिया क्या? जी नहीं, 1935 में यूके की पार्लियामेंट ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संस्थापित किया था और फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निकाला. ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने? हमारे देश की गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है. क्या बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो यूनिटरी नहीं होगी, वो फेडरल होगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके इज द प्रीकर्सर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल. बोला कि सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब हम लोग एक यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, अब हम एक फेडरल गवर्नमेंट बनेंगे देश के. तो यूनिटरी और फेडरल का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, यूनिटरी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड लेजिस्लेटिव है, वही सबको चला रहा है. पहले यह सिस्टम था, यूके वालों ने कर दिया था भाई गुलामी के टाइम पे. यूनिटरी सिस्टम का था कि इट विल बी गवर्न्ड, द कंट्री विल बी गवर्न्ड कॉन्स्टिट्यूशनली एज अ सिंगल यूनिट. अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो अलग अलग हायरार्कीज हैं. सेंट्रल के पास अपने पावर है, स्टेट के पास अपने पावर है. तो अब हम यूनिटरी नहीं रहे, अब पूरा देश एज वन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, एज वन कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड लेजिस्लेटिव नहीं चलेगा, अब हम फेडरल हैं. ठीक, फेडरल का मतलब डिविजन हो चुका है पावर्स का, अलग अलग हायरार्की लेवल्स हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत मजा आएगा. अब जो स्टेट्स हैं उनको भी पावर दिया गया है कि तुम भी अपने अपने कानून पास कर सकते हो. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला. तो कहने का मतलब है कि अब हम यूनिटरी से फेडरल हो गए हैं, जो पावर हो गए हैं वो सेंटर. बेटा जब मैं सेंटर बोलती हूँ ना, तो सेंट्रल का मतलब होता है देश, सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट. तो जो पावर्स हैं वो बांट दिए गए हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे कि कोई भी डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े ना हो. भाई देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक लॉ बना दोगे, क्या वो पूरे देश पे चल पाएगा? क्या वो जम्मू कश्मीर में वही लॉ चलेगा? क्या गुजरात में वही लॉ चल पाएगा? जी नहीं. तो लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए हम लोगों ने यूनिटरी से हम लोग फेडरल बन गए. अब दोस्तों 1935 के बाद 1937 आता है, सब याद करना है. 1937 में अपने देश का फेडरल कोर्ट इस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, फेडरल कोर्ट इस्टैब्लिश हुआ था और इसके पास तीन जुरिस्डिक्शंस थे, एपलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी. अब आएगा असली मजा. तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है फोर्थ, नेक्स्ट पेज समझिएगा. अब हम बात करने वाले हैं सन 1937 में हम चले गए हैं, और 1937 में अपने फेडरल कोर्ट, जो हम लोग यूनिटरी से फेडरल हो गए, तो फेडरल कोर्ट में हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो कैसा दिख रहा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, आइए आपको लेके चलती हूं. ठीक है, तो मेरी आदत है यार कि मैं जो पढ़ाती हूँ अपने क्लासेस में भी, वो मैं चीज़ों को ना प्रिंटेड करके नहीं देती, बच्चों को एक पर्सनल टच के लिए हैंड रिटन नोट्स देती हूँ. मुझे लगता है कि कलरफुल हैं, अच्छे हैं, और बच्चे वैसे भी प्रिंटेड से बोर ही हो जाते हैं. तो दोस्तों हमारा जो फेडरल कोर्ट है, ठीक है, फेडरल कोर्ट पहले था, 1937 की बात हो रही है. उसके बाद आपको पता है ये सिर्फ 1950 जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये 1950 तक चला. 1950 में सुप्रीम कोर्ट आ गया. तो मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा आपको हिस्ट्री जाननी है ना. आपने देखा कि पहले यूके की बातें थी, फिर हम लोग यूनिटरी से फेडरल हो गए. तो फेडरल क्या था? फेडरल में तीन पार्ट्स थे ज्यूरिस्डिक्शन के, एक एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एक था ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, और एक था एडवाइजरी. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, वो एस्टैब्लिश एंड हैड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एपलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी. तो इसको पढ़ लो, इसको याद कर लो. एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन क्या था बेटा? अपील का नाम सुना है? अपील का नाम, अपील का नाम है कि मान लेते हैं कि तुमने अपने, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो मैंने मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाकर के कुछ बोला, वहाँ पे जो केस आया वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गई. तो वहाँ मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर मैंने अपील की, मतलब एक कोर्ट के डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ तो मैंने अपील की. तो जो अपने देश का फेडरल कोर्ट था 1937 में, 1950 के पहले पहले, तो वो तीन पार्ट में विभाजित था, एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी. तो एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? इट अपीयर्स, अपील्स अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट. तो फेडरल कोर्ट का एक हिस्सा वो था जो कि लोअर कोर्ट जो भी बोलते हैं उसको खारिज करके, वो पसंद नहीं आया, हटा सावन की घटा, और उसको हटा दिया गया,
और फिर जो दूसरे कोर्ट्स हैं, जो एपल ज्यूरिसडिक्शन है, वो बेसिकली उन अपील्स को देखेगा, संभालेगा, जो कि लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स आए हैं और जो खारिज कर दिए गए हैं. एग्जाम्पल, सम लोअर कोर्ट्स ऑर्डर इज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट. ठीक है, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब टेंशन की बात नहीं है. अब इसमें दो चीज़ें हुआ करती थी, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स. अच्छा, तो मैम फेडरल कोर्ट में दूसरा क्या था? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब नए नए केसेस, बड़े लेवल के केसेस, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है. तो सिर्फ उन बड़े केसेस को जो है, बड़े खतरनाक केसेस, सुप्रीम कोर्ट ही पकड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता है. तो पहले वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से था. ठीक, एक और है एडवाइजरी. एडवाइजरी का मतलब है कि बेसिकली प्रेसिडेंट को कुछ चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन चाहिए होते हैं, तो वो है एडवाइजरी. तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो अपना फेडरल कोर्ट था, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था, और उसमें जो ज्यूरिसडिक्शंस थे अलग अलग, वो थे एपलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी. पावर ऑफ एपलेट क्या था? पावर ऑफ एपलेट हमने देखा कि सिविल और क्रिमिनल केसेस पे था. जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन था, वॉज एक्सटेंडेड विद द पावर टू फेडरल कोर्ट टू एडवाइज गवर्नर जनरल इन मैटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे. एडवाइजरी वो है जो कि देश के गवर्नर जनरल, क्या है होमवर्क है आपका, पता करिए कि आपके देश के इस वक्त गवर्नर जनरल कौन चल रहे हैं. तो गवर्नर जनरल को एडवाइस करने के लिए आपके पास अपना ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन था, जिसके पास पावर थे कि वो फेडरल कोर्ट को एडवाइस करे, गवर्नर जनरल को एडवाइस करे पब्लिक ओपिनियन के मैटर्स में. ठीक है, फिर जो फेडरल कोर्ट था वो 12 साल तक चला. कितने साल तक? 12 साल तक चला. ठीक, 1949 के आसपास, 1937 में आप अगर 12 साल ऐड कर दो तो ये रफली मिलाकर के 1949 होता है. ठीक है, और इसके पास रफली 151 केस है. भाई 12 साल में सिर्फ 151 केसेस आए, तब इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था यार. आज एक दिन में दसों हजार लाखों केसेस क्रॉस जाते होंगे, तो इनके पास 151 केसेस आए. ठीक है, फिर उसके बाद 1949 के बाद 1950 में ये जो फेडरल कोर्ट था ये सप्लांट हो गया, यानी कि ये रिप्लेस हो गया हमारे देश के करंट एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से. एपेक्स कोर्ट का मतलब सबसे हाईएस्ट बॉडी है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये हमारी हिस्ट्री थी. ठीक दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, अब सुप्रीम कोर्ट आया तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना था, उसके पहले संविधान नहीं था. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हमारा सबसे फोरमोस्ट लॉ है, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के फ्रेमवर्क के साथ डील करता है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द फोरमोस्ट लॉ विच डील्स विद द फ्रेमवर्क विद इन विच आवर कंट्रीज डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क्स. ठीक है, एंड आवर लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल. लोग ही तो इलेक्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव को, वही तो लॉ बना रहे हैं. किसके लिए लॉ बना रहे हैं? हमारे ही लिए लॉ बना रहे हैं. तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, जिस फ्रेमवर्क के तहत अब काम कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर के आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से 1950 के बाद 1951 में. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का संविधान, आपको याद होना चाहिए, हमारे देश का संविधान देता है, प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. नंबर वन, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है और उसको प्रोटेक्ट करता है. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं उनको भी ले डाउन करता है, और हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पावर एंड ड्यूटीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी बतलाता है. हमारे जो देश का लॉ है वो आपस में सब इंटरकनेक्टेड है. ये नहीं कि सेंट्रल और स्टेट अलग अलग कर दिया, नहीं, इंडिया पाकिस्तान ऐसा नहीं किया है. हमने जो है उसको ऐसा बनाया हुआ है कि सब आपस में मिले हुए हैं, भाईचारा है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश के लॉ है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, जिससे कि एक हमारा हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है, विभाजित नहीं, हमारा हाइब्रिड लीगल सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, अब जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कोई तो होगा उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, तो उन्होंने हमारे देश के जो लॉ मेकिंग पावर है, कौन बनाएगा कि लॉ मेकिंग पावर जो है वो दो लोगों के हाथ में डाल दिया. जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा उन्होंने देश के लॉ मेकिंग के पावर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया और फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जॉइंट लिस्ट. ये आप लोगों ने डेफिनेटली पॉलिटिक्स वगैरह में पढ़ा होगा. ठीक,
तो कहने का मतलब है यार, सिंपल सी बात है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कहा कि यार लॉ सिर्फ एक बंदा नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल देश का एक लॉ नहीं बन सकता, हम फेडरल हैं, तो हमने सेंट्रल भी बनाया, हमने अलग अलग देश का भी गवर्नमेंट को पावर दे दिया जुडिशियल सिस्टम को कि तुम भी अपने अपने कानून बनाओ, और इस ये अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएगा एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम में। तो एक लिस्ट बना दी गई, इनफैक्ट तीन लिस्ट बनाई गई, एक थी आपकी जो है सेंट्रल लिस्ट, फिर आपकी स्टेट लिस्ट, फिर आपकी जॉइंट लिस्ट। मैम इसमें क्या है, इसमें जो आप सेंट्रल में जाओ तो सेंट्रल लिस्ट में जो जो आइटम्स लिखे होंगे पता चलेगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ देश का सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकता है, छेड़ सकता है। फिर स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में सब लोग अपने अपने स्टेट के जो मैटर्स लिखे हुए उसको खुद खुद डिसाइड करो, आप जब इसको देखोगे ना पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। और एक जॉइंट लिस्ट, तो दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो शायद मैंने यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये देखिए द थ्री लिस्ट। सो इट इज द थ्री लिस्ट टेल्स द मैटर्स दैट्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, डिविजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर। यहाँ पे सिर्फ पावर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिविजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट है सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अपना यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जॉइंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में दोस्तों सेंटर के पास पावर है, सेंट्रल मतलब देश के मेन, नॉट स्टेट, सेंटर के पास पावर है इन मैटर्स पे लॉ बनाने का। फॉर एग्जांपल देश का डिफेंस, देश की आर्मी, सब अपने अपने स्टेट का थोड़ी ना बनाएंगे। फिर स्टेट लिस्ट, ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, अब तो नहीं है ये सब जो है अपने अपने सब स्टेट्स का अलग अलग वैट होता था, टैक्सेशन टैक्स होते थे। फिर उसके बाद अल्कोहल के ऊपर आपके क्या है, कहीं बैन है कहीं नहीं बैन है, तो इन सब के लॉस। फिर जॉइंट लिस्ट पे दोनों काम कर सकते हैं, बोथ कैन मेक द लॉस, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सिलेबस में बढ़ा रही हूँ, आपके समझाने के लिए करती हूँ, ठीक। तो आपकी तीन लिस्ट हो गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास थ्री लिस्ट हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी लिस्ट है, किस लिस्ट में क्या मैटर आ रहा है, वो एक सब्जेक्ट मैटर बनता है कि सेंट्रल लॉ बनेगा या फिर स्टेट लॉ बनेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों इनकम टैक्स, डिफेंस, आर्मी, ये सब किसके हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल सब्जेक्ट हैं। ये क्या है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट द इंडिया आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नहीं, सिर्फ एक इनकम टैक्स लॉ मिलेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेल्प से। मैम मिनिस्ट्री क्या होता है समझ में नहीं आता, अभी आप समझोगे। फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे कानून की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ब्ला ब्ला पड़ा हुआ है, दैट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। फिर एक फाइनेंस है जो कि यूनियन बजट बनाता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हमारे पास। तो हम कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट, फॉर एग्जांपल टैक्स मैटर है, ये सिर्फ देश का एक ही है। मैम अभी तो आपने बताया कि वैट अलग अलग है, बेटा इनकम टैक्स एक्ट एक है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। थ्रू आउट इंडिया सिर्फ एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ध्यान रखते हुए। हमारे पास ऐसे भी मैटर्स हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट मैटर्स दोनों हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी आप जाओ यूपी में अलग होगा, एमपी में अलग होगा, ठीक है। और हाँ पूरे देश का भी एक है। तो लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी कैसे लेवी होगा, ये एक एग्जांपल है। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉस गवर्निंग द स्टैंप ड्यूटी, तो इसको याद कर लीजिएगा, स्टैंप ड्यूटी सबका अपना अपना है। आइए अब आगे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। ओके, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो क्योंकि मैंने चला दिया है एसी, और एसी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट आई विल मेक श्योर कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इस पर फोकस करते हैं हम लोग। आइए जी आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये वाला चैप्टर, ये वाला वीडियो मुझे ऐसा लगता है 3-4 घंटे का तो हो ही जाएगा। ओके, तो प्रोसेस क्या है लॉ मेकिंग का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं समझता हूँ तो ये कोर्स में था नहीं, फिर भी मैं हर बार अपने लेक्चर नंबर में पढ़ाती थी। देखिए क्या होता है, हमने पार्लियामेंट के बारे में जान लिया कि पार्लियामेंट हमारा क्या होता है। हमारे पार्लियामेंट जो है वो एक लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक बिल प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सीए न्यू स्कीम आई, तो इसमें लोगों ने, जनता जनार्दन ने, जो सीए मेंबर्स हैं उन्होंने बोला होगा कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ को प्रपोज करता है, फाइनल नहीं करता है, पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिल। जब उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है, डिबेट होती है, जो कि सालों चलती रहती है, ये डिस्कशन ये डिबेट जो है लोकसभा में पास होता है। क्या आपको पता है लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, ये वही है लोकसभा और राज्यसभा जो हमारे स्टेट्स की है और राज्य सेंट्रल का है, ठीक है, सभा, लोअर हाउस अपर हाउस। नाउ इसके बाद ये दोनों जो है, इसका भी मैंने प्रोसेस कहीं ना कहीं लिखा हुआ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए जो हमारे देश का पार्लियामेंट है वो तीन पार्ट्स में है, वो कंप्राइज करता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा बेसिकली लोगों का, लोकसभा इट्स द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, सेंट्रल स्टेट नहीं, हाउस ऑफ पीपल है।
यहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड हैं टू वोट, आप जैसे मेरे जैसे लोग 18 साल से ऊपर वाले लोग, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट वोटिंग करके, तो ये लोकसभा हो गया, इट्स द हाउस ऑफ पीपल। अब देखिए, अब राज्यसभा क्या है, ठीक है, दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी। तो ये जो है अपने अपने स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के नेताओं को हम लोगों ने इलेक्ट कर लिया। अब ये लोग जो हैं, ये लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इनकी पार्टी कौन है, अमित शाह की पार्टी है, तो वो लोग जो हैं वो राज्यसभा में अपर हाउस में आते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और तीसरा पार्ट है पार्लियामेंट का, अपने प्रेसिडेंट साहब, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा कि कानून कैसे बनता है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जब कानून प्रपोज करता है पार्लियामेंट, फिर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और जो लॉ है सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर उसको पास होना होता है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी अनुमति मिलती है, हाँ मिलता है, ठीक है, उनका एसेंट मिलता है, और फाइनली जब सब कुछ सही हो जाता है तो एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल गेजेट बोलते हैं, बहुत बार सुना होगा, आपकी सीए न्यूज स्कीम भी ऑफिशियल गेजेट में ही आई थी। तो इस ऑफिशियल गेजेट में हमें गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है इस पब्लिकेशन में कि भैया ये वाला कानून जो है फाइनली लॉ पास हो गया है। उसमें एक डेट लिखी होती है ऑफिशियल गेजेट में, और जो डेट लिखी होती है उस डेट से ही अपने देश पर वो इफेक्टिव डेट बन जाती है, यानी कि इस डेट से ही अपना कानून जो है वो वाला पर्टिकुलर लॉ सीए न्यू स्कीम 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगी। एक बार जब ये नोटिफाई हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, चलने लग जाता है, तो अब ये बिल नहीं रहता, अब ये देश का एक एक्ट बन जाता है, इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, आगे लिखा रहता है 2013, ठीक है, 1872, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वो किस देश, किस 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 साल में इफेक्टिव हुआ है वो लिखा रहता है। तो ये है अपना प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक, ये पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, आपने प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग देख लिया, आपने सोर्सेज वगैरह देख लिए, अब आपको देखना है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कैसा दिखता है। तो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है ना, इंडियन लीगल सिस्टम, उसमें कुछ टाइप के लॉज होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का लॉ नहीं होता। आपने किसी का खून खराबा कर दिया, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस रिलेटेड लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपका अलग लॉ, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो टाइप ऑफ लॉ है वो 4 है, क्रिमिनल लॉ, तो हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। सो द लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, आइए वन बाय वन समझते हैं। तो जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ वो कानून है जो कि रिलेटेड हैं उन वॉयलेशन से जो कि हो रहे हैं लॉ के या फिर पब्लिक रॉन्ग्स के। तो अगर आप कानून को ही तोड़ देते हैं तो कहाँ आएगा, क्रिमिनल लॉ में। अगर आप पब्लिक के साथ गलत करते हैं, मार पीट काट, तो ये सब जो है पब्लिक रॉन्ग, ये भी क्रिमिनल लॉ में आएगा। और सिर्फ इनको तोड़ने के कानून नहीं, इनको ना तोड़ने के कानून नहीं, इनकी पनिशमेंट भी इसमें दी हुई है। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो पता है किसी कोड से गवर्न होता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर चलाते हो, कोई ऐप है, वो किसी कोड से चल रही है ना, वैसे ही जो अलग अलग लॉ है वो किसी ना किसी कोड से चल रहे हैं। तो जो देश का क्रिमिनल लॉ है उसमें क्या क्या आता है आपने देख लिया, कि अगर आप वॉयलेशंस कर रहे हो लॉ का या फिर आप पब्लिक के साथ रॉन्ग कर रहे हो, तो वो वॉयलेशंस के रूल्स यहाँ पे बने हुए और उनकी पनिशमेंट दी हुई है। और ये जो क्रिमिनल लॉ है वो गवर्न्ड है आईपीसी धारा, इंडियन पीनल कोड, सुना होगा नाम, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इंडियन पीनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी, ये कोड्स हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के रूल्स को देखते हैं। तो जो इंडियन पीनल कोड 1860 है वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है तमाम क्राइम्स, रेप, मर्डर, डैश डैश, वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, नेचर, उनकी पनिशमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। और मैम फिर इंडियन पीनल कोड देख लिया, अब सीआरपीसी क्या बताता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या बताता है, वो बताता है कि इनके क्राइम के, इन क्राइम की पनिशमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा,
कैसे इनके ऊपर कार्रवाई होगी उसका प्रोसेस होता है। तो ये दोनों मिल करके एक डिफाइन करता है नेचर को, क्राइम को, पनिशमेंट को, और एक उसके एग्जॉस्टिव यानी कि कंप्लीट प्रोसीजर बताता है कि ऐसा हो गया तो पनिशमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो ये मिल करके देश के क्रिमिनल लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नंबर टू पे हमारा आता है सिविल लॉ दोस्तों। तो मान लेते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ मैटर आ गया, तो ये सब अपने सिविल लॉ में आता है। इसके सिविल कोर्ट्स बने हुए हैं जो कि जो है हम सभी के इन डिस्प्यूट्स के लिए राइट और ऑब्लिगेशन को बताते हैं, ठीक है। सो सिविल कोर्ट्स क्या है? सिविल कोर्ट्स एनफोर्स करते हैं। कहाँ से लागू हो रहा है ये? तो सिविल तो लॉ हो गया ना, ये बनाता कौन है, एग्जीक्यूट कौन करता है? बनाता नहीं, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? अल्टीमेटली ये एनफोर्स में कौन लेकर के आ रहा है? हमारे जो देश के अलग अलग सिविल कोर्ट्स हैं। तो सिविल कोर्ट्स जो है वो एनफोर्स करते हैं इन राइट्स और ऑब्लिगेशंस का। अगर वॉयलेशन होता है तो सिविल कोर्ट बोलता है आओ मेरे पास सिविल केस करो, आओ क्या करो मेरे पास, सिविल स्यू फाइल करो, सिविल केस करो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सिविल लॉ है वो प्राइमरली फोकस करता है लड़ाई झगड़े को तोड़ने में, मतलब डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन में। अच्छा, तो जो सिविल लॉ है वो पनिशमेंट से ज्यादा डिस्प्यूट को सुलझाने पे फोकस करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। ठीक है, ठीक है। अब मैम इसका भी तो कोई कोड होगा? जी हाँ, ये जो एक्ट है, जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है संभालना, वो कौन गवर्न करता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 CPC। ठीक है, अब जो सिविल कोड है, सिविल लॉ जो है, बेसिकली नॉट कोड, जो सिविल लॉ है वो काफी ज्यादा और फैला हुआ है। प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली का झगड़ा फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट, ये है। तो जो सिविल लॉ है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट में। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल बताइए मैम कि हम लोग सिविल ऑफेंसेस कर रहे हैं। क्रिमिनल में तो हमें पता है कि रेप, मर्डर, थेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, रेप, मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट करना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस केस लॉ में। वहीं दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन डिलीवरी नहीं किया, पेमेंट नहीं किया ड्यूज का, ठीक है, ऑफ ड्यू सिलेंडर, या फिर सेल्फ डिफेमेशन कर रहे हैं आप, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, या फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सब सिविल लॉ देखता है। सिविल लॉ किस चीज का काम करता है? डिस्प्यूट को सुलझाने का रादर देन पनिशमेंट। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ देखो, मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि ये जो अपने लॉज हैं ये सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, बेसिकली अपने सेंट्रल में बन रहे हैं। फिर एक प्रेसिडेंट की बात की थी, प्रेसिडेंट्स की बात की थी, तो वही बोल रहा है कि एक कॉमन लॉ होता है। देखिए, कोई पहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किसी सुप्रीम कोर्ट ने निकाली, सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि एक केस हुआ, उस केस की सुनवाई जो हुई, जो फाइनल आंसर निकला, जो फाइनल जजमेंट हुआ, उसको बोलते हैं एक जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियली जो आंसर निकल चुका है, लॉ ने कुछ डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं कॉमन लॉ में केस लॉज। आप लोग केस लॉ पढ़ोगे, बिल्कुल आता है, केस स्टडी आती है, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर बड़े ही यूनिक केस पे कोई जजमेंट डिलीवर किया था, ये पता है उस टेरिटरी यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में सभी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर वो चीज़ कहीं लिखी नहीं भी हुई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था एक पर्टिकुलर केस में, अगर वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वैसा ही कुछ होता है, तो हम लोग सेम चीज़ को मानेंगे। यानी कि सभी कोर्ट्स जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है वो सुप्रीम कोर्ट के उस प्रीवियस जजमेंट में जो आंसर दिया था उसको मानेंगे। कैसे? ये आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आर्टिकल्स, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स के नेम याद करने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 141 ऑफ आवर इंडियन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि एक होता है कॉमन लॉ, एक होता है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। कॉमन लॉ का मतलब होता है कि वो केस स्टडी जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के आंसर से आ चुकी है, ठीक है, ये बाइंडिंग होगी सभी कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? द डॉक्ट्रीन ऑफ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस नाम को सुनिएगा, बड़ा यूनिक है, द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टारे डिसाइसिस, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो इसको स्टार मार्क कर देती हूं। द डॉक्ट्रीन ऑफ, डॉक्ट्रीन का मतलब रूल, पोस्टुलेट, द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टारे डिसाइसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। मतलब जो हमारा कॉमन लॉ है ये एक प्रिंसिपल से चल रहा है, ठीक, एक प्रिंसिपल रूल से चल रहा है। वो रूल क्या है? उसको बोलते हैं द रूल ऑफ स्टारे डिसाइसिस। मतलब ये एक लेटिन फ्रेज है, ये लैटिन शब्द है, फ्रेज है, जो कि बोलता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। आप सीए फाइनल में
पूरे के पूरे ये जो है ना डॉक्ट्रीन, इसको क्या बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं, नाम याद आ रहा है, बहुत सारे पोस्टुलेट्स पढ़ोगे तो देखो एक पोस्टुलेट है, ठीक है, वो गवर्न कर रहा है किस चीज़ को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि यार जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन साइंस है सुप्रीम कोर्ट की, वो सभी कोर्ट्स को माननी पड़ेंगी। ठीक, अच्छा क्यों माने, क्योंकि हमारे जो हमारा संविधान है उसमें एक पोस्टुलेट कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस कहता है कि भैया जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है उस पे ही चलो, जो तुम्हारे अल्टीमेट फादर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहले किसी चीज़ में डिसाइड किया था आगे तुम उसको मानो, स्टैंड बाय दैट डिसीजन। ठीक है, तो जो स्टारे डिसाइसिस पोस्टुलेट है, डॉक्ट्रिन है, वो रीइन्फोर्स करता है द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजंस व्हाइल रूलिंग अ केस वेयर द फैक्ट्स आर सिमिलर और ऑन ऑल फोर लेग्स विद अर्लियर डिसीजन। क्या बोल गया, बोल रहा है कि यार तुम पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि तुमने एक अपना संविधान बना रखा है, अपना उसूल बना रखा है कि मुझे पास होना है, मुझे अपना नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो यहाँ पे भी कॉमन लॉ बोलता है कि एक डॉक्ट्रिन है, एक लेटेंट फ्रेज है जिसका नाम है स्टारे डिसाइसिस डॉक्ट्रिन। वो कहता है कि जो पहले डिसाइड हो चुका है, अब जितने भी छोटे बच्चे कोर्ट हैं उनकी ड्यूटी है कि आपके पूर्वज ने जो भी डिसाइड किया उसको रीइन्फोर्स करो, उसको वापस से लगाओ, सेम प्रिंसिपल को, सेम जजमेंट को मानो। अगर वैसा ही कोई केस आता है, सिमिलर फैक्ट आता है केस का, पहले हो चुका था राम श्याम के बीच में, अब हो रहा है सीता गीता के बीच में, तो अब तो मानो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने वो आंसर दिया था, भले वो कहीं लिखा नहीं है, तो क्या हुआ, वो एक कॉमन लॉ है। हो सकता है वो सिविल लॉ ना हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना लिखा हो सकता है किसी सेक्शन में ना लिखा हो, लेकिन वो एक केस लॉ होगा, और ये केस लॉ आप बहुत पढ़ने वाले हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप में, LLP में, हर जगह पढ़ोगे। तो एक रूलिंग आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, और अब के कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वैसा ही अगर केस आता है, ऑन ऑल फोर लेग्स, मतलब कि एकदम सिमिलर केस आता है, तो जो अर्लियर डिसीजन आया था तुम लोग भी उसी को मानो। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टारे डिसाइसिस, यानी कि स्टैंड बाय समथिंग व्हिच हैज बीन डिसाइडेड अर्लियर। ठीक है, तो हमने कहा था कि यार सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ लिखित जो लॉ है, रिटन लॉ है, उससे बियॉन्ड जाती है। सो नेचुरल जस्टिस जो सही है वो होना चाहिए, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऊपर और नीचे लिखी हुई हैं। देखिए, प्रिंसिपल यानी कि रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा गिर गया तो जस्टिस ये कहता है कि अगल बगल किसी को चोट लग गई तो यार जस्टिस दो, कुछ भी दो, मतलब फॉर एग्जांपल किसी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि यार तुरंत जो है उसको भरपाई दो, कह रही तो लॉ में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें ऑब्वियस है कहीं लिखी नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल नेचुरल जस्टिस कहता है, जिसको हम लोग जस्ट नेचुरल कहते हैं, क्या बोलते हैं, जस्ट नेचुरल। बड़े सारे लैटिन वर्ड आएंगे, बहुत सारे लैटिन वर्ड आपको कानून में दिखेंगे। तो नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल, ये डील करता है विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। ये कहता है कि यार कानून में लिखा है कानून 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 कानून, कुछ तो अपना दिमाग लगाओ, कुछ जस्ट नेचुरल चीज़ें जो सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, उसका भी तो ध्यान दो। तो दोस्तों एक शब्द है, लैटिन वर्ड है, नेमोजुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमोजुडेक्स इन कॉजा सुआ जो कि बोलता है, जिसका लिटरल मीनिंग है, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। मतलब अब आप समझ रहे हो कि नेचुरल जस्टिस में क्या क्या आता है। मान लेते हैं कि मैं हूँ जज, अगर मेरी ही फैमिली का कोई केस आएगा, मेरा ही केस आएगा, तो क्या मैं उसमें अनबायस्ड ओपिनियन दे पाऊंगी? नहीं, मेरा कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट होगा, एक बायस्ड ओपिनियन दूंगी मैं। ठीक है, तो किसी को भी सबसे पहला जस्ट नेचुरल यानी कि पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई पर्सन उस केस को नहीं हैंडल करे जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट है, वरना वो सामने वाली पार्टी के साथ गलत करेगा। तो वही लिखा हुआ है, नेमोजुडेक्स इन कॉजा सुआ, लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड जज इन हिज ओन कॉज। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है अगेंस्ट प्रेजुडिस, ये एक रूल है अगेंस्ट प्रेजुडिस। बेटा प्रेजुडिस का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, प्रेजुडिस मतलब दूसरों के अगेंस्ट गलत हो जाएगा, प्रेजुडिस मीनिंग मतलब दूसरों के अगेंस्ट कुछ गलत हो जाएगा। प्रेजुडिस का मतलब है हार्म और इंजरी दैट रिजल्ट्स और मे रिजल्ट फ्रॉम सम एक्शन।
तो ये रूल हो जाएगा अगेंस्ट प्रेजिस, किसी दूसरे के लिए हार्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप अपने सगे भाई बहनों के लिए ज़्यादा प्यार करोगे कंपेयर टू अपने पड़ोसियों के, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल जस्टिस जस्ट नेचुरा। जस्ट नेचुरा कहता है कि भैया जो रिटर्न लॉ है उसके बियॉन्ड जाओ ना, सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट्स पे जाओ, प्रिंसिपल्स पे जाओ, लिखा नहीं है तो भी। नंबर टू बात करता है नेमोजुडेक्स, जो कि आपने देख लिया कि जिस बंदे का किसी एक चीज में इंटरेस्ट है वही वाला केस उसके ऊपर, उसको जज मत बनाइए। और तीसरा है यहाँ पे ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, जो कि कहता है लिटरली मीनिंग हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, मतलब वैलिड और रीजनेबल डिसीजन करो। नहीं, कहने का मतलब है कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि पार्टी को सुनो, उसको एक सही मौका दो सुनने का। ये नहीं कि बस आए और खड़ा खड़खड़ाखट अपना जजमेंट देके निकल गए। आप हमेशा पढ़ोगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप यहाँ पे हमेशा पढ़ोगे हियर द पार्टी में लिखना रीजनेबल, हमेशा जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर वन, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, ये हर जगह पढ़ोगे तब आपको याद आएगी मेरी बातें कि मैंने कहा था ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी कि सामने वाले के ऊपर कुछ भी थोपने से पहले उसको मौका दो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो, उसको भी सुनो। एंड फोर्थ है दोस्तों रीजन डिसीजन। तो आपने चार पढ़ लिया, जस्ट नेचुरम, नेचुरल, नेमोजुडेक्स इन कॉजा सुआ, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, और फिर है आपका रीजन डिसीजन। रीजन डिसीजन ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, कभी भी जो है एक गलत इनवैलिड या फिर अनरीजनेबल डिसीजन मत दीजिए। अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट। आगे क्या बोल रहा है, बोलता है कि कोई भी जजमेंट आता है वो किसी कॉमन लॉ को, कॉमन लॉ, फॉर एग्जाम्पल कॉमन लॉ क्या था, जो कि पहले किसी का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, कोई जजमेंट आज के केस में इसको ओवरकम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार ये हो सकता है 19वीं सदी का हो, ये हो सकता है 18वीं सदी का हो, उस वक्त जो चीज़ चल रही थी फैक्ट ऑफ द केस आज नहीं लागू हो रहा है। तो कह रहा है याद रखिएगा कि कोई जजमेंट अगर आज आता है इन सभी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को मानते हुए, तो एक जजमेंट जो है ना वो ओवरराइड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है कॉमन लॉ को, लेकिन वो स्टैट्यूट को चेंज नहीं कर सकता है। स्टैट्यूट का मतलब है जो अपना रिटन लॉ है, जो रिटन लॉ है सिविल क्रिमिनल, उसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, कॉमन लॉ को डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस, जजमेंट को ओवरराइड डेफिनेटली कर सकता है। आइए अब आगे चलते हैं, और हम लोगों ने देख लिया कि भैया कानून क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं कि कानून को कैसे एनफोर्स किया जा सकता है, कैसे एनफोर्स होता है कानून। मैं थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले रही हूँ। ऑलराइट, तो बात करते हैं कि हम लॉ को एनफोर्स कैसे करते हैं। भाई लॉ बन गया, बिल जो है एक एक्ट बन गया, अब हम लॉ को एनफोर्स कैसे करें? तो देखिए, जब एक लॉ पास हो जाता है पार्लियामेंट द्वारा, तो अब उसको एनफोर्स करने की, उसको लागू करने की बात आती है। तो किसी ना किसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि गवर्न करता रहे कि भाई जो एक्ट बनाया गया वो सच में मॉनिटर करे कि सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम होता है फॉलो देखने का, एग्जीक्यूशन मॉनिटर करने का एग्जीक्यूटिव का। तो डिपेंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो लॉ है वो सेंट्रल लॉ है या फिर स्टेट लॉ है। अगर सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी है, और अगर स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट इसको एनफोर्स करने की अथॉरिटी, यानी कि जिसका लॉ है वो उसको मॉनिटर करेगा। और इस पर्पज़ के लिए जो सरकार है, सरकार ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को ये फंक्शन दे रखा है। तो कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन। अब ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये देखती हैं, मॉनिटर करती हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। अब इन मिनिस्ट्रीज में कौन होता है, इनके इन मिनिस्ट्रीज में एक मिनिस्टर होता है, और मिनिस्टर के तहत बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। सो बेसिकली IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो सर्वेंट्स होते हैं वो यहां पे लगते हैं। गवर्नमेंट जो है ये वाला जो एग्जीक्यूशन वाला मॉनिटरिंग वाला जो काम है ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। तो मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री में एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स हैं जिनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। जो मिनिस्टर्स हैं उनके नीचे जो ऑफिशियल्स हैं इनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। ये पॉलिटिकली अकाउंटेबल होते हैं सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर को। अब सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, अब ये मिनिस्टर को जाएंगे, मिनिस्टर को बताएंगे कि हाँ ये काम सही है या फिर ये काम नहीं सही है। किसके मिनिस्टर को? अगर लॉ का काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर को, वरना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर को, ठीक है। अब ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इन मिनिस्ट्रीज के ऊपर कौन है, गवर्नमेंट नहीं, इन मिनिस्ट्रीज, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं इसके
ऊपर तो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक हेड है जिसको बोलते हैं मिनिस्टर. कौन सा? कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठता है. ठीक, तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, हर मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है उसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं. और ये सिर्फ जो मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ मिनिस्टर बैठते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और इनके साथ और अलग अलग लोग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि भाई एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वो सिर्फ देश की तो होगी नहीं, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और हर एक स्टेट का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का अपना अपना मिनिस्टर होगा. तो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उसके नीचे. फॉर एग्जाम्पल जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट की हम बात कर रहे हैं कब से, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट है और वो एनफोर्स है और वो मॉनिटर्ड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कैसे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, सीबीडीटी के थ्रू. तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इनकम टैक्स एक्ट को देखता है. किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के थ्रू. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक बोर्ड है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. वो सिर्फ इनकम टैक्स की चीज़ों को देखता है. ऐसे इसके पास और अलग अलग होंगे जो कि अलग अलग चीज़ों को देखते होंगे. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत है, जो कि अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू सिर्फ इनकम टैक्स की जांच करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है. ठीक है, और इनके अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो IRS का एग्जाम क्लियर करके आए होंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का. तो ऐसे ही हम आइए अब वन बाय वन कुछ मिनिस्ट्रीज देखते हैं. तो सबसे पहले है आपके पास द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं वित्त मंत्रालय. क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है अपना वित्त मंत्रालय. ठीक है, पैसे का मंत्रालय. ये एक मिनिस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है. ये हमारे देश की इकोनॉमी से कंसर्न होती है. सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देश का ट्रेजरी ऑफ इंडिया संभाल रहा है. इट्स दी ट्रेजरी ऑफ इंडिया. यहाँ पे सारे पैसे रुपए इनके तहत होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंस के मैटर्स जैसे कि देश का टैक्स, देश का फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, देश के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देश का कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ठीक है, सेंटर का फाइनेंस मैटर, स्टेट्स का, अलग अलग स्टेट्स का फाइनेंस मैटर, अपने देश का यूनियन बजट, ये सब यही लोग ध्यान रखते हैं. तो अगर आप एक CA हैं तो आपका अक्सर जब आप काम करेंगे ना, कल को आर्टिकलशिप में या फिर जॉब करेंगे या फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमेशा आपका डे टू डे वर्क जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होता रहेगा. ठीक है, अब ये मिनिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव प्रेफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो. ठीक है, सो बेसिकली ये मिनिस्ट्री में से ही लोग फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं. इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अपने देश का हर साल यूनियन बजट प्रिपेयर करना. ठीक है, और यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट एक एनुअल इवेंट है, हर साल आता है, डेट आपको बतानी है, हर साल आता है, जिसमें हम सबको पता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, किस सेक्टर को कितने करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, बजट एलोकेशंस क्या है हर साल का, वो यूनियन बजट में आता है और यही मिनिस्ट्री इससे कंसर्नड है. ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. सो श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टिंट, तो बता रहा है कि कौन से हमारे मिनिस्टर रहे हैं पास्ट में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में, अपने परफॉर्मेंस ईयर में सबसे ज़्यादा यूनियन बजट्स जो हैं निकाले थे. सो बेसिकली श्री मोरारजी देसाई जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे 1962 से लेकर के 1969 में, और इन्होंने 10 यूनियन बजट जो है प्रेजेंट किया है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है. इसके बाद है श्री पी चिदंबरम जी, इन्होंने 9 प्रेजेंट किए हैं. उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी जी हैं, उन्होंने 8 किया है. श्री यशवंत सिन्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8 और 6 बजट्स अपने काल में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर प्रेजेंट किए हैं. आइए बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कौन कौन से लोग आते हैं. तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये मिनिस्ट्री है, सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. किसका? फोर सेंट्रल सिविल सर्विसेज का. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे एपेक्स, सबसे ऊंची कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. इसके तहत फोर सेंट्रल सिविल सर्विसेज आ रही हैं: IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज. ये याद करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ इट इज ऑल्सो द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, नेमली इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज. तो 5 सर्विसेज IRS, IAAS, IAS, ICAS और ICMAS का ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये लोग आते हैं. ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसके तहत क्या क्या है. अब हम बात करें कि इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं. देखिए, डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो ये आपको याद करना पड़ेगा: डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. ठीक है,
तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख लिया। सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देख रहे हैं, ठीक। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आपका जो नंबर, देखो आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो सबसे पहले हम नंबर वन पढ़ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे देख लेती हूँ माइंड मैप दिया हुआ है कि नहीं, वरना मैं ही आपको माइंड मैप दे दूंगी क्लास में, ठीक है। तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका MCA है, SEBI है, RBI है, IBBI, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। ओके, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे क्या है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। जितनी भी कंपनी आप बनाते हो, जितनी भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फाइल करते हो, वो सिर्फ वो इसी के तहत होता है। इसकी वेबसाइट का नाम है www.mca.gov.in। यहाँ पे सारी फाइलिंग्स होती है कंपनी के बारे में, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्या है कि अगेन एक गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, अपने देश की इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। ये प्राइमरली किस चीज़ से कंसर्न्ड है, इस ये प्राइमरली कंसर्न्ड है जो अपना कंपनीज एक्ट 2013 है जो कि आप लोग पढ़ने वाले हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है जो आप पढ़ने वाले हो, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो आगे के लेवल्स में आएगा 2016। इन तीन एक्ट को ये गवर्न करता है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि एक्ट तो पास हो जाते हैं लेकिन उनको मॉनिटर करने वाली मिनिस्ट्री होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्राइमरली कंसर्न्ड है कंपनीज एक्ट अच्छे से एडमिनिस्ट्र चल रहा है कि नहीं। कंपनीज एक्ट सिर्फ 2013 ही नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 भी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आप लोग पढ़ोगे, उसका भी जो माई बाप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये तीन एक्ट हैं जो आप लोग पढ़ेंगे सीए के दौरान, उस वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देता है, देखता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेनली इंडियन एंटरप्राइजेस जो कि इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर्स में है, उनका रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं। बेसिकली कंपनीज का रेगुलेशन, जो इंडस्ट्रीज होती है, जो सर्विस सेक्टर होते हैं, वो कंपनीज के फॉर्म में ही तो होते हैं, तो उनका रेगुलेशन करता है इंडियन एंटरप्राइजेस का। ये जो मिनिस्ट्री है, ये ICLS कैडर के लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट्स एग्जाम देकर के आते हैं। ICLS का मतलब इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एग्जाम्स को क्लियर करके जो लोग आते हैं वो इस मिनिस्ट्री में होते हैं, वो लोग इसको चलाते हैं। ये जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां से ये लोग आते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है DGCA की, यानी कि DGCA आप बहुत सुनोगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप चाहो तो कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि कौन है हाईएस्ट पोस्ट। तो बेसिकली ये हमारे ICLS कैडर का, ICLS कैडर का एपेक्स सबसे ऊंचा स्केल होता है, किसका, DGCA का, डायरेक्ट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हाईएस्ट पोस्ट होती है। सोचो कितनी सैलरी होती होगी, कितना रुतबा होता होगा इनका, ठीक। आइए अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद गृह मंत्रालय पे चलते हैं, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। सो बेसिकली ये ना अपनी अंदर की मिनिस्ट्री है इंडिया की, इट्स एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, डोमेस्टिक पॉलिसी। तो अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिसी और अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कौन देखता है, हमारा गृह मंत्रालय देखता है। इसके इसमें कौन रहता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। बताइए कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, देश का कौन है वो, यूनियन होम मिनिस्ट्री को हेड करता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स आता है। इसको बस आप याद करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट। हाँ, अब देखो जैसे ये है ना डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में ही, सो बेसिकली ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं दो चीज़ के लिए, डोमेस्टिक पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें क्या क्या आता है देख लीजिए। सिर्फ एक का बताया, सबका नहीं बताया, सिर्फ इसका बताया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें है आपका CTB, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। सो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज, देश की लैंग्वेज, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो इसके अंदर आता है। इसमें कितने लोग जो काम करते होंगे, सो बेसिकली जितने भी अपने लिटरेचर हैं, जैसे कि अपने देश का कोड है, मैनुअल है मिनिस्ट्री ऑफिसर्स का, उनका ट्रांसलेशन काम ये लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद आपका है डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें आते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, ये एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है। बेटा कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली वो ब्रांच है गवर्नमेंट का जो कि बेसिकली आप रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री आपने देख लिया कौन होता है, अभी हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स देखा भी था, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के वो होते हैं हेड्स। नाउ ये किस किस काम में करता है, नाम समझ में आ रहा है, लॉ एंड जस्टिस, नाम समझ में आ रहा है लॉ एंड जस्टिस। तो ये मैनेज करते हैं लीगल अफेयर्स। देखो बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में तीन डिपार्टमेंट्स हैं, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो मैनेजमेंट करता है लीगल अफेयर्स का।
जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है वो लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज का ध्यान रखता है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज का, तो लीगल अफेयर्स का मैनेजमेंट, फिर उनके बाद एक्टिविटीज का मैनेजमेंट, फिर उसके बाद इंडिया में जस्टिस रहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मैनेजमेंट करता है अफेयर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को देखता है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है देश में जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन रहे वो देखता है। जो अब डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है ये कंसर्न है, क्या करता है ये लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज देख रहा है, तो ये कंसर्न है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करे, कौन, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। और जो ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिंसिपल लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करता है। तो ये एक्टिविटीज में कंसर्न है, ये लॉ बनाने से कंसर्न है ऐसे। अच्छा, अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात करें तो उसके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात की, उनके डिपार्टमेंट्स देखते हैं, लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट, ठीक है, अभी देख लिया, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अभी देख लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारे एपेक्स बॉडी की, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, किस चीज़ का, अपने देश में स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, कंपनीज है जो कि लिस्ट होती हैं, कंपनीज लिस्ट होती हैं तो जो शेयर होल्डर्स है शेयर्स खरीदते हैं, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये इंडिया में सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट का ध्यान रखता है, ठीक है। इंडिया में जो सिक्योरिटीज मार्केट है, सिक्योरिटीज का मतलब स्टॉक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इक्विटी शेयर्स, ये ऐसे थोड़ी ना मैंने कंपनी खोली और मैंने कहा कि मैं तो अपने शेयर्स का आईपीओ निकालूंगी, नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है ब्रोकर्स के थ्रू, फिर वहां पे उसकी लिस्टिंग होती है, तो ये सब कौन ध्यान रखता है कि पैसे जो है जनता जनार्दन के जो पैसे हैं उनका ध्यान रहे। सो ये सारी चीजें रेगुलेट होती है, कोई फ्रॉड ना करे, कोई स्टॉक ब्रोकर जो है जनता के साथ फ्रॉड ना करे, कंपनीज फ्रॉड ना करें, तो ये सबका ध्यान रखती है एक रेगुलेटरी बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि जो देश में अपनी कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट क्या होता है, आपने देखा ना लोहा सिल्वर गोल्ड ये सारी चीजें वो होती है ना सिक्योरिटीज की तरह लिस्ट होती है ना, लोग जो है पेट्रोल पे वो करते हैं, केरोसिन ऑयल पे करते हैं, कमोडिटी खेलते हैं, तो सिक्योरिटीज और जो कमोडिटी मार्केट है, सिक्योरिटीज और जो कमोडिटी मार्केट है उसकी रेगुलेटरी मार्केट है ये। ये किसके ओनरशिप में है, हमने पढ़ा था ना MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये काम करती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जो कि लीगल ड्राफ्टिंग करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो काम करती है। इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए थे 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट के थ्रू, ठीक है, एस्टैब्लिश हो गया था 12 अप्रैल 1988 का, लेकिन इसको जो पावर्स दिए गए थे वो 1992 में दिए गए थे सेबी एक्ट के तहत। इसके बाद हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे अगेन एक एपेक्स बॉडी है, तो बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है कि देश का बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम एकदम बेहतरीन तरीके से चल पाए। ये रिस्पॉन्सिबल है, किसके ओनरशिप में है, अगेन MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में है। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में पैसा कितना प्रिंट हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको इश्यू करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे जो देश का मेन पेमेंट सिस्टम है उसको ये मैनेज करता है, और हमारे देश का जो इंडियन रुपीस का सप्लाई है जिसे कहा उसको भी ये मैनेज करता है, ठीक है। ये प्रमोट करता है देश के इकोनॉमिक गवर्नमेंट को, ये पॉलिसीज बनाता है, ये रेट्स निकालता है, SLR रेट, CRR रेट, ठीक। नाउ अब RBI की एक बहुत ही स्पेशल डिवीजन है, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण डिवीजन, का नाम है RBI के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये प्रिंट करती है और मिंट करती है इंडियन करेंसी नोट्स को, ठीक है। इसके दो प्रिंटिंग प्रेस है, एक है नासिक में वेस्ट इंडिया में और एक है देवास में सेंट्रल इंडिया में, ठीक, ये याद करना है। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसको बोलते हैं IBBI। ये एक बेहद नया कंसेप्ट है, नया इन द सेंस कि 2016 में आया था। देखिए होता यूँ था कि पहले जो कंपनीज हुआ करती थी उनके भी जितने भी लीगल मैटर्स होते थे वो कोर्ट में ही जाते थे, नॉर्मल कोर्ट्स में, जैसे कि जिस कोर्ट में सभी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही कंपनीज के मैटर भी जाते थे। अब कंपनी तो देश का भविष्य है, आप और हम जैसे लोग कंपनीज फॉर्म करते हैं जो देश की GDP का इतना अहम पोर्शन कवर कर रहे हैं। अब इन कंपनीज का मैटर अगर फंस जाएगा कोर्ट में तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक अलग से कोड बनाया जाए, उसमें अलग से पावर्स दिए जाएँ कुछ ऐसे सिस्टम को जो कि सिर्फ कंपनीज के मैटर्स को सॉल्व करें, ठीक है।
तो अब देखिए क्या होता है कि कंपनियां कुछ चल नहीं पाती हैं, अपना धंधा कर नहीं पाती हैं और वो लिक्विडेट होती हैं, बंद होना चाहती हैं। तो वो वैसे भी बंद होने के कगार पे हैं। अब उन्होंने वो अपने पैसे नहीं दे पा रहे हैं क्रेडिटर्स को अपने। अब क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स सब उनके ऊपर केस कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज़ का अगर मैटर, जो वैसे ही मरती हुई कंपनीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ का मैटर अगर तारीख पे तारीख में फंस जाएगा तो होगा क्या? और दिक्कत हो जाएगी। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों कंपनियाँ होंगी, तो देश का तो भविष्य गया काम से। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, सो एक बोर्ड बनाया गया जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। एक बोर्ड बनाया गया, उसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो देखिए, इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्ट, लिक्विडेट, ये सारे शब्द हम यहाँ पे समझेंगे। बस इसका ये मतलब समझिए, दिवालिया पिट गया, यानी कि अगर किसी इंसान के या फिर किसी एंटिटी के जो एसेट्स होते हैं वो उसकी लायबिलिटीज से, लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं, कम हो जाते हैं। एसेट्स उतने नहीं हैं कि उनकी लायबिलिटीज को कवर किया जा सके, तो मान लिया जाता है कि अब इसका चलना नामुमकिन है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया, IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक रेगुलेटर है जो कि देखता है, ओवरसी करता है क्या हमारे देश में एंटिटीज की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को, यानी एंटिटीज में सभी आते हैं, LLP आ गया, कंपनीज आ गई। ये कंपनीज जब खुद को फाइल करती है कि भैया अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हम इंसॉल्वेंट होना चाहते हैं, दिवालिया पिट गया, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, सरकार आप ही देख लो, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आगे कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फाइल होती है कोर्ट में, तो उनको ओवरसी करता है ये। कैसे? इसने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, इनके खुद के IPOs होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, ठीक, आप भी बन सकते हैं, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होता है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, जैसे इंश्योरेंस का रेगुलेटर IRDA है, वैसे IBBI एक रेगुलेटर है जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखता है। किन की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखता है? उन एंटिटीज की जो कि अब अपना इंसॉल्वेंसी फाइल कर चुकी हैं। इसके अंदर होती हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, हमारे जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और जैसे फॉर एग्जांपल ICAI के अंडर में मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं रजिस्टर्ड, वैसे इनके अंडर में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, हमारे जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, और इनका एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होता है, एक डेटा बैंक होता है। ये एस्टैब्लिश हुआ था अभी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर 2016 में। और IBBI जो बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, इसमें बॉडीज हैं, ये बोर्ड है, एक बॉडी है, ये कैसे बनी, इसको मान्यता कैसे प्राप्त हुई, ये कैसे स्थापित हुआ? तो एक कोड, एक लॉ जो है पास हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कोड एक लॉ होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास हुआ था, लोकसभा ने पास किया था 5 मई 2016 को। तो एक कोड पास हुआ, फिर कोड ने अपने अंतर्गत बोर्ड बनाया, बोर्ड के अंतर्गत ये सारे लोग हुए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो पास हुआ, इस कोड ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड बनाया, स्थापित किया, इसके अंडर में सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, और इनका एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी डेटा बैंक है। इसमें क्या कवर होता है? ये कवर करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को, किसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को? इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की, पार्टनरशिप फर्म्स की, LLP की, ठीक है। नाउ ये इससे होगा क्या, बहुत अच्छी चीज है, ये कवर किसको करता है ये आप याद करिएगा, किसने पास किया है ये याद करिएगा, सब कुछ याद करना है। और ये न्यू कोड से होगा क्या, स्पीड अप हो जाएगा रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि जो देश में स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, पे नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है इनका जीवन में, तो देश में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, देश के एसेट कौन है, देश की पूंजी क्या है, देश की एंटिटीज, तो जो कंपनीज, जो पार्टनरशिप फर्म्स, जो LLPs, जो इंडिविजुअल्स एकदम स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ हो नहीं रहा है, उनको रिजॉल्व करने के प्रोसेस की भैया मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, चला दिया जाए, इसका प्रोसेस आप लोग CA इंटर CA फाइनल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये क्या बॉडी है, राइट? तो जब आप इंटरमीडिएट पर पढ़ेंगे आप मुझे याद करेंगे। तो ये अटेम्प्ट करता है कि ये इन सभी स्ट्रेस्ड असेट, देश के जो स्ट्रेस्ड असेट है, उनके रेजोल्यूशन प्रोसेस को जल्दी करे, स्पीड अप करे,
तारीख पे तारीख में फाइलों पे धूल ना चढ़ रही हो, और ये अटेम्प्ट करता है कि ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को सिंप्लीफाई कर पाए। देखिए मैम, ये प्रोसेस क्या होता है, ये जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं, इनके एसेट हो चुके होते हैं कम लाइबिलिटी से, ये अपना धंधा अप नहीं कर पाते हैं, इनके ऊपर दुनिया आ जाती है कि भैया पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो ये परेशान होकर के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्टर करते हैं। कहते हैं कि भैया रजिस्टर नहीं करते, मतलब कहने का मतलब अपनी कंप्लेन अपने आप को फाइल करते हैं कि भैया हमसे काम नहीं हो रहा। तो ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड है, ये कोई IPA यानी कि एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को अपॉइंट करता है, कहता है जाओ तुम पढ़े लिखे इंसान हो, देखो इनका बिजनेस चल सकता है क्या, इनका बिजनेस चल सकता है तो चलाओ, इनकी मैनेजमेंट को चेंज करो, भगाओ इन लोगों को। अगर नहीं चल सकता, लगता है कि बहुत इन लोगों ने कांड कर दिया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ लॉस 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 है, तो जो बचे कुछ एसेट है उनको बेचो और इनके क्रेडिटर्स को पे करो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये कंपनी खुद नहीं कर पाती, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये अटेम्प्ट करता है कि सिंप्लीफाई कर देगा। नाउ ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड है, ये केस हैंडल करता है दो कोर्ट की मदद से। तो ये तो IBC है, ये केस हैंडल करता है, इसको कोई कोर्ट भी तो चाहिए। तो एक NCLT हो गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बनाने के लिए कोर्ट्स है, कंपनी के कोर्ट्स हैं, कंपनी LLP के कोर्ट हैं। इतने सारे कोर्ट हम लोगों के लिए वो क्रिमिनल प्रोसीजर मर्डर ये सब देख रहे हैं, इसको कैसे देख पाएंगे। तो IBC के पास दो कोर्ट दिए गए हैं, ये हैंडल करता है कोर्ट्स केसेस को यूजिंग टू ट्रिब्यूनल्स, इसको भी तो कोई जुडिशरी चाहिए होगा, वो है NCLT और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, NCLT और DRT के हेल्प से ये अपना काम करता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, और अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक इसका, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो बेसिकली हमारे जो कलेक्टिवली सभी जजेस हैं अलग अलग लेवल्स पे, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कैसा है उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब ये बहुत ही सिंपल है, हायरार्की ऑफ कोर्ट समझना बहुत सिंपल है, जब भी सिटीजन्स के बीच में आपस में, या फिर सिटीजन और किसी सरकारी किसी मिनिस्ट्री किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा होता है, तो इन झगड़े को जुडिशरी सॉल्व करता है। ठीक, तो जुडिशरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। नंबर वन, अपने देश में कानून को, एक्ट को, लॉ को, कोड को रेगुलेट करना और इंटरप्रेट करना। जो आप इतने तमाम एक्ट और कोड पढ़ रहे हैं उनको रेगुलेट करना, उनको इंटरप्रेट करने का काम होता है इन जुडिशियल सिस्टम का। नंबर टू, ये झगड़ों को निपटाते हैं। तो पहली बात तो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एक्ट को और कोड को। नंबर टू, रेजोल्यूशन करते हैं झगड़ों का, डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करते हैं। इनके पास कुछ पैनल्स वगैरह होते हैं, और देश में सिटीजन जो है हमारे जो लैंड के सिटीजन हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं, उनके हर एक इवेंट में फेयरनेस हो उसको प्रमोट करते हैं। अब ये तो इनका फंक्शन हो गया, ये आपको डेफिनेटली याद करना है। अब हम बात करते हैं कि हायरार्की क्या है, किस लेवल पे, जैसे किसी कंपनी में मैनेजमेंट का लेवल होता है, टीम मेंबर्स होते हैं, टीम लीड होता है, फिर पता नहीं SL वगैरह होता है, ऐसे करके CEO CFO तक जाता है, तो वैसे ही हायरार्की कोर्ट्स का होता है। तो इसमें जो टॉप है ना दोस्तों, वो SC है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है HC हाई कोर्ट, उसके नीचे आते हैं DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स ये याद करना है, सुप्रीम कोर्ट टॉप है, उसके नीचे है हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, अब जो हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं, हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो हाई कोर्ट का जो फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, उसका जो डिसीजन है वो बाइंड होता है रिस्पेक्टिव स्टेट पे, उसी पर्टिकुलर स्टेट पे, लेकिन ओनली परसुएसिव इन अदर स्टेट्स। मतलब उस स्टेट पे तुम्हारे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने जो निर्णय ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, वो उत्तर प्रदेश में तो बाइंड होगा, लेकिन दूसरे स्टेट्स में बाइंड नहीं होगा, सिर्फ परसुएड करेगा। मतलब वहां के जो अपने हाई कोर्ट्स होंगे उनका डिसीजन लागू होगा, लेकिन इनका जो डिसीजन है, दूसरे स्टेट का डिसीजन, वो हेल्पफुल होगा इनको सिर्फ कन्विंस करने में। परसुएड करते हैं ना हम किसी को, पटाते हैं वैसा। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, टॉप है भैया, इसके जो डिसीजन होंगे वो सभी पूरे इंडिया सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होंगे। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है ये चीज। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं, फाइनल वर्ड होता है किसी भी मैटर पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर दो हाई कोर्ट्स के बीच में झगड़ा हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? बिल्कुल हाँ। तो आइए वन बाय वन पढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर हम याद करें, यही वाली लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशियरी का, सिस्टम का हमारे। एस्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 में, आप देख सकते हैं कैसे आजादी के बाद हुआ है।
जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो बंदा बैठा हुआ है वो देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जो क्या पावर है बंदे के पास, क्या उसका भौकाल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 में अपॉइंट होता है ये बंदा, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा भी बहुत सारे लोग होते होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल बेंच होती है, उस प्रिंसिपल बेंच में 7 मेंबर होते हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। तो जो बेंच है उसमें 7 लोग हैं, 6 अलग हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी जो नंबर है उसको बढ़ा दिया गया है 34, मतलब 33 मेंबर प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले कितना था, पहले थे वैसे होते हैं 7, लेकिन अभी समय को देखते हुए 34 कर दिया गया है इंडिया में। क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब कोई भी एक इंडियन है, एक इंडिविजुअल है, उसको अगर रिलीफ चाहिए, उसको हाई कोर्ट के डिसीजन सही नहीं लग रहे हैं तो उसको रिलीफ चाहिए, तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करता है। रिट पिटिशन फाइल करता है आर्टिकल 32 में। रिट पिटिशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, रिट पिटिशन में आर्टिकल 32 में वो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोर्ट में, एक नीचे। तो हाई कोर्ट क्या होता है, हर एक प्रदेश का, हर एक स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, हर एक स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 214, आर्टिकल्स बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 214 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हर एक स्टेट में एक ना एक हाई कोर्ट होगा ही होगा। अब दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर भी एक एपेलेंट, फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। एक कंपनी के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट में एक एपेलेंट होता है, एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। आर्टिकल 227 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो लिमिट करती है हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी पावर। आर्टिकल्स आपको बहुत याद करने पड़ेंगे। 227 आर्टिकल का जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हाई कोर्ट के पावर को लिमिट करता है। इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, एक स्टेट में और एक एक यूनियन टेरिटरी में एटलीस्ट 1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या है भाई, इसको हटा देना, ठीक है। नाउ 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट, अपने देश में जो 6 स्टेट है उनमें एक सिंगल हाई कोर्ट है, वो आप लोग जनरल नॉलेज अगर आपको जानी हो तो आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन हाई कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन अंडर सेक्शन 226। तो आपको रिट पिटीशन फाइल चेक करने पड़ेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स, जो देश के तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि जो अपने देश का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है वो कलकत्ते का हाई कोर्ट है, एस्टैब्लिश हुआ था 2 जनवरी 1862 में दोस्तों। अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नाम से समझ में आता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उसका जो जज होता है वो सिविल मैटर से डील करता है। सिविल मैटर मतलब कि सिविल मैटर से डील करता है, देखिएगा समझिएगा इसको। कोर्ट में मैंने ऐसे आपको बता दिया कि ये जो अपना हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 पार्ट है, एक है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और एक है आपका कोर्ट ऑफ सेशन। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ऑफ, ऐसे बोल दो कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ये सिविल, क्रिमिनल नहीं, सिविल मैटर से होता है, ठीक है। सिविल मैटर मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो गया, डैमेजेस वगैरह हो गया, छोटे छोटे मैटर्स हो गया। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है ये डील करता है क्राइम, क्रिमिनल मैटर्स से, ठीक। नाउ अब अगर हम बात करें पैसे से रिलेटेड, अंडर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। तो ये जो अपना यहां पे मान लेते हैं कि एक आपका नॉर्मल 2 करोड़ से लेकर के तक का मैटर जो है, अप टू टू करोड़ के पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मनी रिलेटेड मैटर्स, ये कौन सॉल्व करेगा, ये आता है पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी का मतलब मनी रिलेटेड। तो 2 करोड़ तक के पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सिविल जज के पास है, ठीक है। नाउ ज्यूरिसडिक्शन क्या मतलब होता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कंट्रोल करने की पावर, ठीक है। तो जो कोर्ट्स होते हैं उनको अपने एरिया के हिसाब से उनको ज्यूरिसडिक्शन का पावर मिलता है, कोर्ट्स को टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन मिलता है। जो केसेस होते हैं वो लोकल लिमिट्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। किसकी लोकल लिमिट्स, समझिएगा, पार्टीज की लोकल लिमिट। अगर आपने लाइफ में कोई भी सामान खरीदा हो तो उसमें पीछे लिखा रहता है कि
एनी डिस्प्यूट इज, ये जो भी डिस्प्यूट होगी इट इज ओनली वो इस हाईकोर्ट में होगी, ठीक है. तो केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड. कहने का मतलब है कि मैम कैसे समझ में आएगा, तो पहली बात तो आपने ये समझ लिया कि जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी हाई कोर्ट है, उसको अपनी टेरिटरी के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन का पावर मिलता है, उसके अपने अपने एरियाज कवर्ड हैं. अब आप बोलोगे कि मैम एरिया कवर्ड है, अभी जो लोकल लिमिट है कैसे डिसाइड होता है किसका एरिया. तो जो पार्टी झगड़ा कर रही है या फिर जिस मैटर पे झगड़ा कर रही है वो प्रॉपर्टी कहां पे है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक है दोस्तों, या तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है या फिर पार्टीज हैं कहां पे हैं, कहां की हैं, उनके लोकल लिमिट से डिसाइड होगा कि किसके पास पावर ऑफ कंट्रोल है, किसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, किस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, किस हाई कोर्ट के पास. नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के. सो बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो होते हैं ना, ये मेट्रोपॉलिटन बड़ी शहरों में होते हैं. मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपने नाम सुना होगा. सो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स एस्टैब्लिश होते हैं मेट्रो सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की होती है. तो हाई कोर्ट जो है निर्धारित करता है, कंसल्ट करता है. नाउ इसमें जो अगेन दो लोग होते हैं, आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं इसके पास पावर होता है एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है. और फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, ही हैज द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं, ठीक. और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होते हैं एज अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आपको हम लोग यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर देंगे. और अगर आपको ऐसे ही मेरा पढ़ाना पसंद आया है, वैसे मैं इसके साथ साथ क्या करती हूँ, उसके साथ मैं अपने शॉर्ट नोट्स बच्चों को दे देती हूँ अपने कोर्स में. और हमारे टेस्ट होते हैं रेगुलर, हमारा डेली टारगेट जाता है कि कब क्या पढ़ना है, कब कैसे रिवाइज करना है, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग खुद ही दे देते हैं. हर डेली टारगेट जाते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप कमेटी में ऐड होकर के देख सकते हैं कैसे टारगेट होता है हमारा. और इसके अलावा हम और क्या देते हैं, हाँ असाइनमेंट देते हैं. तो ये भी असाइनमेंट्स हम बनाने वाले हैं, हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. तो अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक में हमारी क्लासेस का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लासेस का, आप उसको देख सकते हैं. थैंक यू.